अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सुख है श्री महापुराण की कथा। चाबी भूल जाओगे यहां पर तो घर से वापिस आना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान लगा कर सुनना, चाबी की याद कब आती है? जब घर पर जम के बोलो जरा, पहुंच गए। चश्मा भूल गए, चश्मे की याद कब आती है? जब कुछ पढ़ते से ये बत्तीसी तुमने नई नई बनवाई और डब्बी में रख ली, कथा में आ गए, सोचा प्रसाद मिलेगा तो खाऊंगी, और वो बत्तीसी तुम्हारी कहीं फ्रिज में भूल गए या कहीं रह गई। अब कुछ खाने का समय आया तो याद आई कि नहीं आई मेरी बत्तीसी का? घर जाकर चाबी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, खाते समय बत्तीसी की याद आती है, और मरते समय शिव की याद आती है। अंतिम बिंदु होता है जब एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन की समय आ गया, बीपी शुगर गड़बड़ हो गए, कुछ काम बिगड़ गया, तब पंडित जी को फोन लगाया, महाराज जी महामृत्युंजय का जाप बिठा दो, मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, पंडित जी मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो, पंडित जी ऐसा हो गया, महामृत्युंजय का जाप बिठा दो। अब कोई भी ये नहीं कह रहा कि कनक धारा का पाठ बिठा दो, श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ बिठा दो। कनक धारा का पाठ, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का पाठ कब याद आता है? जब दिवाली आती है, जब कोई शुक्रवार का दिन आता है, कभी लक्ष्मी को प्राप्त करने का दिन आता है, पर जब मृत्यु की घड़ी आती है, मौत की घड़ी आती है, जब उलझनों में मनुष्य उलझ जाता है, जब कहीं ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य फंस जाता है, उस जगह पर कोई याद नहीं आता, तब मेरा महामृत्युंजय याद आता है, मेरा महादेव याद आता है, क्योंकि अंतिम क्षण में वो सम्मुख में होना चाहिए, अंतिम क्षण में वो सामने होना चाहिए। और अंत समय प्रभु, सब बोलो जरा जम के बोलो, आना वचन दिया तो निभाना, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तुझे आना ही है, अंत समय में दर्शन देना ही है, ये निश्चित है। तो अंतिम बिंदु में जब परमात्मा याद आएगा, घर गए चाबी याद आई, पढ़ते समय चश्मा याद